हेलो, हाय मैम। वनश्री क्या नाम है तुम्हारा? बसा। अरे कहाँ, वेस्ट बंगाल से हो? वेस्ट बंगाल से हो? नाम से पता चल गया मुझे और तुम्हारे लुक से पता चल गया, क्योंकि तुम हमारे ही आसपास के हो। मैं गिरिडीह से हूं ना, तो मुझे कोलकाता का बिल्कुल आवाज टोन सब मैं पकड़ती हूँ, पहचानती हूँ। और क्या रहा तुम्हारा रिजल्ट? AIR 22 क्या? अरे वाह, अब तो 22 रहा है, तुम इतना रो के क्यों बोलती हो? क्या नाम है पूरा फिर से बताओ। वनश्री वसाक। अरे वाह, तुम्हारा तो नाम बहुत ही एक्सेप्शनल नाम है। AIR 22 हो, तुम समझ रही हो तुमने क्या किया है? और क्या तुम्हारा कौन सा पोस्ट है? आइडिया ही है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। वाह, बहुत स्मार्ट लगोगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में। और तुम्हारी एज कितनी हुई? 25 हुई फेब्रुआरी में। ओके, तो तुम क्या मतलब घर में ही बैठ के पढ़ रही हो? पूरा कंप्लीट तैयारी घर में की हो? ऑनलाइन ये इन सब के सहारे पढ़ा हूँ, कुछ ऑफलाइन बैच नहीं लिया। अच्छा, तो मेरे से कैसे पढ़ी है बताओ। आपके जो बुक है ना उसको मैंने बार बार रिवाइज की थी। ओके मेरे हस्बैंड तो इंग्लिश के हैं, तो उन्होंने मुझे बेसिक करवाया था। ओके एसएससी का रिलेवेंट बुक, ये बुक एसएससी के रिलेवेंट लगी क्योंकि यूट्यूब में सारे टॉपर यही रिकमेंड करते रहे थे। तो ये इस बुक मैंने 10-15 बार तो ऑलरेडी रिवाइज किया, बार बार तो ओके मार्क्स इजीली इनहेंस हो गया। और इंग्लिश में आया कितना तुम्हें? मेरा 180-1.25 है। ओके, और 22nd रैंक है तुम्हारा, हाँ, तो फिर दिल्ली कब आओगी मिठाई खिलाने? तुमने अपना क्या डाला, प्रेफरेंस? सॉरी, आइडिया ही डाला है, इनकम ओके टैक्स इंस्पेक्टर ही डाली थी तो ओके okay. वो ही मिल रहा है। तो तुम्हारे घर में सब लोग बहुत खुश होंगे? अच्छा, हाँ खुश तो है क्योंकि मैं तो गांव में रहती हूँ ना, तो यहाँ सारे लोग इनकम टैक्स को बहुत मतलब प्रायोरिटी देते हैं। 22nd रैंक लाना बेटा घर में बैठ के तैयारी करके बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत दूर दराज के लड़कियों से बात कर रही हूँ और उनको इतना बढ़िया रैंक लाते देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और सच कहूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी किताब आपके लिए हेल्पफुल रही, ये बहुत सुखद अनुभव है। हाँ मतलब वो तो मस्त है एसएससी प्रिपरेशन के लिए। मैं ना हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है एसएससी इंडिया, उसमें जो रोज शेड्यूल आते हैं ना उनमें भी हम ग्रामर के आप ही के बुक रिकमेंड करते हैं। ओके मतलब ये कोई पेड प्रमोशन तो नहीं है, हाँ पर मैंने यूट्यूब में देखा था तो मुझे लगता था कि ये बुक बहुत ज्यादा रिलेवेंट है एसएससी प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने तो ग्रामर के लिए बस इसको ही बार बार रिवाइज किया, 10-15 बार तो मिनिमम हो ही चुका है। ओके चलो, थैंक यू सो मच। देखो बेटा, तुम लोग प्रिपरेशन खुद करती हो, बस इतना भी खाली कह देती हो ना कि मैम आपके बुक से पढ़ा है, तो मुझे लगता है जैसे मेरी जिंदगी सार्थक हो गई। और जो मैंने अपने बच्चे को, छोटा सा बच्चा था मेरा उस समय, जब उसको सुला के चुपके से बगल में तकिया रख के उसको बेकू बनाते थे कि हाँ मम्मी बगल में सोई है, और जब मैं किताब लिखती थी, तो मुझे लगता है कि वो मेरा जो सैक्रिफाइस था वो सार्थक हो गया। तुम एक मैंने महिला पढ़ा हो है वो। तो वो हाँ समझ मैंने सकती हो पहले तुम। ये लिखा हुआ है ना। हाँ हाँ, शुरू की लाइन में मैंने लिखा है, मैंने भी पढ़ा डेडिकेटेड था। टू माई बिलवड सन हुज टाइम आई स्टोल टू राइट दिस वन। तो मैंने उसका ही तो हाँ समय ये लिखा चुराया था। तो बेटा बहुत अच्छा लगा, खुश रहो, और तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। अब अपने क्षेत्र के बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं उनको तुम गाइडेंस दो, क्योंकि तुम बढ़िया गाइडेंस दे सकती हो, हाँ है ना?